अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arwayzap.com। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ लेकिन अभी नहीं, प्लीज आप रेस्ट कर। वापस आना चाहते हो ना, तो एक शर्त पे वापस आ सकते हो, तलाक दो अपनी बीवी को और घर आ जाओ। आप अब तक अपनी जिद नहीं छोड़ रही, अफसोस हो रहा है मुझे। भूल रही हैं आप शायद कि वो बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। कुछ दिन आपके बगैर रहेंगी तो खुद ही आपको कॉल करेंगे आंटी। कभी भी नहीं करेंगी, कुछ दिन तो क्या कुछ महीने भी उनसे दूर रहा तब भी नहीं। मैं मुख्तलिफ हूं पर आप नहीं समझेंगी, बेटा नहीं है ना कोई आपका। सिर्फ बेटियां हैं और वो भी सब की सब बदनसीब। जिस घर में गई बर्बाद कर डाला उसे। हाँ जी आ गए आप सब, बैठे प्लीज। अजहर एंड कंपनी के साथ हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे जॉइंट वर्किंग की है उनके कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। खैरियत है? मैंने आपसे कहा मुझसे खैरियत पूछी? सॉरी मैम। अभी देखें, अभी निकाले वो तमाम डील्स जो मैंने उनके साथ की थी। मैम उनके साथ हमने 2021 में लास्ट डील की थी और उससे पहले ऑलमोस्ट 12 प्रोजेक्ट उनके साथ हमने किए हैं। तो उन 12 प्रोजेक्ट्स में आप सब मिलके कोई भी ऐसा कानूनी नुक्ता निकालें कि मैं उन्हें कोर्ट में घसीट सकूं, उनकी जिंदगी को अजाब बनाना चाहती हूं मैं। ओके समझ आ रही है आपको? जी जी मैम। मैम ये तमाम डिटेल चेक करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। कितना वक्त चाहिए आपको, खुलकर बताएं कितना वक्त चाहिए? 2 से 3 दिन। 2 दिन या 3 दिन, बहुत फर्क है 2 और 3 में। मैम 3 दिन। ऑलराइट 3 दिन। तीसरे दिन इसी वक्त मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट यहां चाहिए अपनी टेबल पर, जैसा मैं चाहती हूं बिल्कुल वैसी। ठीक है मैम मैं समझ गया। चल आंटी, I'm really sorry. मैं बहुत शर्मिंदा हूं बॉम ने जिस तरह आप दोनों से बात की। छोड़ो इन बातों को, हमने अपनी आंखों से देख लिया कि सायरा का क्या हाल है, वो तो तुम दोनों से बहुत खफा है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, एक अच्छा बेटा बनने के लिए मैंने उनकी जायज नाजायज हर बात को, लेकिन अब विशाल की सेहत पर, उसकी मेंटल स्टेट पर जो असर पड़ रहा था उसकी वजह से मैं उनकी बात मजीद नहीं मान सकता था। भाई देखो हमने विशाल से कहा कि तुम यहां आराम से रहो। नहीं अंकल विशाल यहां नहीं रहेगी, विशाल मेरे साथ रहेगी, हम लोग कल ही अपार्टमेंट में मूव कर जाएंगे। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है और
दो तीन दिन में मेरी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी। अरे जॉब की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ मेरी हेल्प कर सकते हो ना। हाँ 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 जैन, तुम हमारे बेटे की तरह हो। अगर इनके ऑफिस को ज्वाइन करोगे तो इनको भी एक सहारा मिल जाता है और हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। अगर हालात ऐसे ना होते तो मैं डेफिनेटली आप लोगों का बिजनेस ज्वाइन कर लेता, लेकिन अब बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई। मुझे अपने आप को प्रूव करना है। आप लोगों की नजरों में, मॉम की नजरों में, और सबसे ज्यादा ईशाल की नजर, इसलिए मैं फिलहाल तो आप लोगों का बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। अच्छा ये बताओ कि कहाँ जॉब कर रहे हो? कमर अब्बास साहब, उनको तो जानते होंगे आप, बहुत बड़े बिजनेसमैन। हाँ हाँ, बहुत बड़ा नाम है उनका तो। ओ, मुझे यकीन है कि तुम बहुत तरक्की करोगे इंशाल्लाह। एक बात बहुत अहम है, अब मैंने अपनी चारों बेटियों के लिए घर बनाए थे और मैंने सोचा था कि उनको शादी पे गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब रजा की फैमिली के अलावा सारे खुददार हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी देने की। तो आयजा का घर जो है हमने यतीम खाने के लिए वक्फ कर दिया। तो बहुत अच्छा किया आपने अंकल, जब तक बच्चे वहां रहेंगे पलेंगे, आयजा के लिए सदका जारिया होता रहेगा। इशार और अबिया का घर थोड़े दिन पहले ही फर्निश करवाया था और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ रहो। नहीं अंकल, आप यकीन करें, मैं इशार को अपार्टमेंट में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, हम बहुत खुश रहेंगे। जैन बेटा, हमारी ख्वाहिश है कि तुम ये घर लो और इशार को खुशी खुशी उधर रखो। देखो, हमने तुम्हारी हर शर्त हर बात मानी है, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी। देखो, अगर तुम हमारी बात मान लोगे ना तो हम ये समझेंगे कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए कुछ जगह है। बहुत जगह है, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं अबू रहने देना, अगर जैन नहीं चाह रहे हैं तो प्लीज आप लोग तो फोर्स मत करें। जैन बेटा, देखो हम इशाल के माँ बाप हैं, हमारा ये छोटा सा तोहफा तुम कबूल कर लोगे हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, हमारा मान रखा, बहुत खुशी होगी। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम, आप खाना लगाएं फौरन, भूख लग रही है मुझे। मैम आप फ्रेश हो जाएं, मैं टेबल लगाती हूँ। मैंने कहा है तुमसे टेबल पे लगाने को, कमरे में लेके आओ। अजहर का सहारा लिया है ना तुमने जैन, दो दिन में अजहर को मुंह के बल ना गिराया ना तो फिर देखना तुम, और ऐसे ही मुंह के बल आके मेरे कदमों में गिर के माफी मांगोगे तुम। जी जी, मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि काम इतनी जल्दी कैसे होगा सारा। जाहिर है, सारा सारा दिन बैठ के काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करें ताकि बॉस की बताई हुई डेट्स के ऊपर प्रोजेक्ट को रेडी कर सकें। ठीक है, फिर कल स्टाफ को लेके बैठते हैं और फिर मैं आ जाऊंगा ऑफिस।
थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा सुने, मुझे एक बात करनी थी आपसे। जी जी पूछिए। मैं कह रही थी कि आप के ऑफिस में कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, जरा वो चेक करके बता दीजिएगा कि सारा अमाउंट क्लियर हो गया या नहीं। तो यकीन नहीं हो रहा, सायरा आंटी इतना सब कुछ करती रही और हमें पता भी नहीं चला। उन्होंने अपने चेहरे पे, अपने शख्सियत पे जो नकाब चढ़ा रखा, हम तो पहचान ही नहीं सके उन्हें। देखो बेटा, अभी तुम बच्ची हो और मैं तजर्बेकार इंसान हूँ, काफी अरसे उनके साथ काम भी किया लेकिन फिर भी पहचान नहीं सका। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इन मुश्किल हालात में विशाल कैसे रहेगी जैन भाई के साथ। देखो बेटा, तुम दोनों इशाल और जैन से इस टॉपिक पे बात ना करना, और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों को उनके बारे में पता है। ठीक है? जी बाबा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम उन्हें बिल्कुल शो नहीं करेंगे। लेकिन बाबा मैं अभी तक शॉक, सायरा आंटी जैसी खातून के लिए कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। अगर आप यहाँ खुश नहीं है तो हम यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। जैन मैं ठीक हूँ। आप ये बात जानते हैं ना कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि अम्मी अब्बू को नाराज नहीं करना चाहती थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहे, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं वहाँ रह लूंगी। अच्छी तरह अंकल आंटी ने बहुत फोर्स किया इसलिए मैं भी मान गया, और फिर ये भी डर था कि मॉम बहुत ज्यादा कॉल्स करेंगी जब वहाँ पर, तो सब परेशान हो जाएगी। आप आंटी को कॉल कर लें, मुझे पता है वो गुस्से में है लेकिन थोड़ा वक्त गुजरेगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे। उन्हें कॉल करने का कोई फायदा नहीं, अब आकर ऐसा लगना शुरू हो गया है कि वो गुस्से में नहीं है बल्कि शायद किसी ज़हनी बीमारी का शिकार। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे और मॉम, हम दोनों को थेरेपी की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता ईशा, अगर कोई इंसान किसी ज़हनी बीमारी से गुजर रहा हो तो उसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, शायद एक पढ़ा लिखा हल यही। जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है उसका बहुत ट्रॉमा हो सकता है इंसान पर, और जैन मैं आपके साथ हूँ, हम थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे। आई विल ऑलवेज बी विद यू। पता है ये ढलता सूरज देखकर पहले मेरा हमेशा दिल डूबा करता था, कभी इस बात का एहसास नहीं होता था कि अगली सुबह इसी सूरज की रोशनी से तो होगी जैसे मेरी जिंदगी में रोशनी तुम्हारी वजह से। अब ये ढलता सूरज मेरे लिए एक उम्मीद है, एक नई सुबह की उम्मीद, एक नए दिन की उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जल्दी से कुछ खिला दें, बहुत भूख लग रही है। मुझे अपना, तुम अपने लिए कुछ ढूंढ लो जो तुम्हें रोज खाना बना के खिलाए। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अपने लिए खाना बनाने वाली ढूंढ ली है तो? कौन है, क्या करती है, कहां है, मुझे भी तो मिलवाओ। बताऊंगा, इतनी इतनी जल्दी क्यों मचा रही है, सब बताऊंगा। और मुझे मुझे लगता नहीं बल्कि आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलवाओगे तो पता चलेगा ना कैसी लड़की है, क्या करती है, कहाँ रहती है, कहाँ मिले। तो इतनी जल्दी क्यों मचा रही है, मिलाऊंगा ना आपको, बता तो रहा हूँ। और पता है आप लोग ना दोनों एक जैसी हैं ऑलमोस्ट, आपके मिजाज भी मिलते हैं तो आप लोगों की तो बहुत बनेगी। मैं तुम लोगों को एक राज की बात बताऊं, टॉप सीक्रेट बात।
नहीं किसी को, प्रॉमिस, इनकी प्रॉमिस। मेरे जैसा नहीं बनना, मेरे जैसा ना बनना, ना आप जैसा बनना है, अच्छा इंसान बनना है हमें, ऐसे। और लाइफ में सही रास्ते पे चल रहे, बुरे रास्ते पे चल, बुरे रास्ते, बुरे प्रॉमिस 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 तो सही करो क्या। लेकिन लेकिन हमने बातें करनी है बस, चाय चाय चाय, किसी को चाय पीनी है, मैं लेके रहा हूँ चाय। मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगा, उसके अंदर रजाक से बात करो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, छूट गया रजाक, दर्ज होंगे, बैड पीपल अच्छे लोग नहीं है ये, उधर देखो इधर देखो, उनके पास संभालो अपने आप को बेटे, ये क्या कर रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छा पहले पहले हम डिज्नीलैंड जा सकते हैं, ठीक है? मैं बात करता हूँ, मैं जानता हूँ लोगों को, ठीक है? मैं एक टाइम पे ना बहुत बड़ा आदमी था, तो डिज्नीलैंड के बाद हम गुनाहगार हैं तुम्हारे वजह से। आइसक्रीम खाएगा ए तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले तुम्हारे माँ बाप है, दौलत की लालच ने हमें अंधा कर दिया था, दौलत की लालच में ये भूल ही गए थे कि अपने बेटे को मुजरिम बना रहे हैं। तुम्हारे सालन किसी बना रहा हूँ मैं, तो मुझे मुझे माफ कर दे, अच्छे लोग नहीं है, कान बंद कर ले, अच्छे लोग, ये अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, किसी से प्यार नहीं करते, हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्चे को बन दे या अल्लाह, हमें माफ कर दे या मेरे मालिक। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अरे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं अपने बच्चे को साल में नहीं देख सकती, या अल्लाह मुझे इतनी सख्त सजा मत दे या मेरे मालिक, इतनी बड़ी आजमाइश में मत डाल गया मेरे अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें सजा दे दे, लेकिन मेरे बच्चे को इस तरह से ना बना अल्लाह भैया। मैं माफ कर दे मेरे मालिक, बेटे मेरी बात से सुनो, बात से सुनो मेरी बेटा, मेरी बात से सुनो, अल्लाह माफ कर दे अल्लाह। या अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे बेटा। या अल्लाह मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, या मेरे मालिक हम बहुत गुनाहगार हैं, मेरे बच्चे को ठीक कर दे या अल्लाह। रजा बेटा हम गुनाहगार हैं तेरे, हमें माफ कर दे अल्लाह, जा मेरा रो रही है रजा, ठीक हो जा ना रजा, माफ कर दे बेटा, यस मैम। हाँ भाई कहाँ हो तुम? वो मैम मेरी आंटी की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मुझे घर आना पड़ा। अच्छा और वापस कब आ रही हो? शायद वापस जल्दी ना आ सकूं। ठीक है फिर, कोई जरूरत भी नहीं आने की। झूठ बोल रही हो ना तुम? कहीं और नौकरी ढूंढ ली है तुमने? फिक्र ना करो, पता लगा के बता दूंगी तुम्हें कि कहां काम कर रही हो। मुझे जरूरत भी नहीं है तुम जैसे लोगों की, शक्ल भी ना दिखाना कभी मुझे अपनी।
जी क्या प्रोग्रेस है? क्या प्रोग्रेस है? मैम हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, दिन रात एक किया, एक एक फाइल अच्छी तरह चेक की है कि शायद कुछ मिल जाए, कोई पॉइंट रेज नहीं हुआ। तो निकाले कोई पॉइंट, मुझे अजहर और उसकी कंपनी को गिराना है, मुंह के बल गिराना है। सॉरी मैम, कोर्ट सबूत मांगती है और हमारे पास उन लोगों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हम उन्हें अदालत में घसीट सकें। आप मिले हुए उनके साथ? मिले हुए ना आप उनके साथ? ये क्या बात कर रही है मैम आप? ओके, यू फायर्ड। आप जाएं यहां से, आज से आपका इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैम 20 साल हो गए इस कंपनी में मुझे। 20 साल काम किया हो आपने या 40 साल काम किया हो, आज के बाद इस कंपनी का कोई केस आप नहीं देखेंगे। मेरी 20 साल की मेहनत का ये सिला मैम, दिन रात एक किया है मैंने। जस्ट गेट अप एंड लीव। लीव, जस्ट लीव। और आप लोग आज ही के दिन में मुझे कोई पॉइंट निकाल के दें। आई नीड दिस केस, वरना आप लोगों की नौकरियां भी मुश्किल में है। अंडरस्टूड? तो वही बोल रहे हो ना जो उसने सिखाया है तुम? वही बोलो, वही कहो। बीवी से कहीं बड़ा रुतबा है माँ का, माँ की खातिर बीवी को नहीं छोड़ सकते तुम। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जब से आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, मुझे पक्का यकीन था कि हमारे पिछले तमाम प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा को बताया तुमने नया फोन करके? मैंने कॉल की थी बाबा को, उन्होंने कॉल ही नहीं पिक की, आई थिंक बिजी। लो बाबा की कॉल आ गई, एक्सक्यूज मी। हेलो असा, तुम नया आपको पसंद करते हो ना? जी, शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ नया आपसे शादी करना चाहते हो या फिर उसके बच्चे को भी अपनाना चाहते हो? उसका होने वाला बेबी मेरी औलाद की तरह होगा। मैं शुरू से ही नोटिस कर रही हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट नया आपके साथ, और नया आप भी तुम पे बहुत ट्रस्ट करते। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम उसके बच्चे को भी अपनाना चाहते हो। मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, वो सब जमीन बोस हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। अल्लाह करे सारा वक्त पे समझ जाए। हाँ समझ जाए, जैन की बात मान ले। जा रहा है आज अपनी माँ से बात करने, बस दुआ कीजिए कि वो जैन की बात मान ले।
आपने छीना अपने बेटे को, किसी और ने नहीं छी। और आप जानती हैं आज आपका बेटा आपके बारे में क्या सोच रहे है? काश काश आप मेरी मां ना हो, काश मेरी कोई मां ना हो। और ये जिसको मारने की बात कर रही है ना आप, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मैं इशाल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज आपको छोड़ के जा रहा हूं, शायद हमेशा हमेशा, शायद कभी वापस नहीं आऊंगा। चलो यार, चलो ईशान। मैं जानता हूं आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन नाराज तो मैं भी हूं ना आपसे। तो मुझे आप कभी मुझे मनाने के लिए नहीं आए थे, मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। मामा आपको एक खुशखबरी सुनानी थी, पहली ये नौकरी मिल गई मुझे। मॉम अजहर अंकल के ऑफिस में नहीं मिली, पांच जगहों पे इंटरव्यूज दिए थे, सीवीज ड्रॉप की थी कि बेटे को एक मल्टीनेशनल में जॉब मिली। और वो मेरे एक्सपीरियंस से इतने इंप्रेस्ड हैं कि जर्मनी वाले ऑफिस भेज रहे हैं, अच्छी पे है और एक घर भी। आप सुन रही हैं ना मॉम, चले ना आप मेरे साथ प्लीज। और मैं चाहता हूं कि मेरे आपके बेटे के अपने पहले घर का दरवाजा आप खोलें। ईशाल, ईशाल नहीं भेजा है मुझे आपके पास, मुझसे कह रही थी कि
उसके दिल में आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई शिकवा कोई शिकायत कुछ भी नहीं। सब सब भूल गई है। आप भी भूल जाइए ना मैं, चलिए ना मेरे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपकी कभी कोई बात नहीं टालूंगा, आपकी हर बात मानूंगा मॉम, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। प्लीज प्लीज चलिए मेरे साथ। जादू करवा दिया उन्होंने तुम पे, छीनना चाहते हैं ना मेरे बेटे को तुमसे, अपना बनाना चाहते हैं तुम्हें, इसलिए जादू करवा दिया। नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी गलत फहमी है, प्लीज इज्जत को छोड़ दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं जितना प्यार इशाल से करता हूं उससे भी कई ज्यादा आपसे करूं, आपकी हर बात मानूंगा। आप प्लीज एक दफा चल लीजिए ना मॉम, प्लीज उसे सिखा के भेजा ना तुम ये सब। तुम तो वही बोल रहे हो ना जो उसने सिखाया है, तुम वही बोलो बीवी से कहीं बड़ा रुतबा है माँ का, माँ की खातिर बीवी को नहीं छोड़ सकते तुम। ऐसी माँ का जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखा, तुम बीवी को नहीं छोड़ सकते। सारी जिंदगी बगैर बाप के पाला है मैंने तुम्हें, चल नहीं सकोगे तुम, देख लेना वापस लौट के आओगे तुम, वापस आओगे तुम, छोड़ दोगे तुम उसे भी, छोड़ दोगे, छोड़ दोगे। उसकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रहना तो क्या तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, कभी दोबारा मेरे सामने ना आना, चले जाओ यहाँ से, रह लूंगी अकेली, रह रही हूँ ना, रह सकती हूँ। शक्ल ना दिखाना मुझे कभी अपनी, शक्ल ना दिखा। अरे आपने तो मेरी कोई औकात ही नहीं छोड़ी, मुझे लगता था कि मैं आपकी जिंदगी का वाहिद असासा हूं, लेकिन नहीं, आज मेरी आंखों के सामने मेरा सारा बचपन नजर आ रहा है मुझे।
जहां हर काम हर चीज मैंने आपकी मर्जी से की। आपने कहा हंसो तो हंसा, आपने कहा रो तो रोया। आपने कहा बोलो तो बोला, आपने कहा खाओ तो खाया। अरे मैंने तो दोस्ती भी आपकी मर्जी से की। आप तो अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे किसी की तरफ देखने भी नहीं देती थी मॉम। कभी कभी मेरा दिल करता था ये सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, दम घुटता था मेरा, लेकिन मैं आपकी वजह से रुक जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आपका वाहिद सहारा हूं। आज लगता है आपने इस दुनिया में सबको इस्तेमाल किया, मुझे भी। आपका बेटा आपको बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है आपसे। मेरी आपसे इल्तिजा है उसके साथ ये ना करें, ज़हनी तौर पे ना उसको ये तकलीफ ना दें। आप कितनी खुशकिस्मत हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। मुझसे पूछें अगर मैं अपनी आयज़ा को वापस ला सकती ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने साथ और अपने बेटे के साथ जुल्म कर रही हैं। बहुत माने आप, आपने जैन की साहिबान बनकर उसे जमाने के सर्द गर्म से बचाया, लेकिन सारा जी अब जमाना बदल गया है, उसको अपने फैसले करने का हक दीजिए। ऐसा ना हो कि वो वक्त आए कि जब उसे अपनी मां और बीवी के दरमियान किसी एक को चुनना पड़ जाए। देखिए हजर, हमारी आयजा वापस आ गई है ना। बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अनाया अनाया अंकल, मैं नया आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। असद बेटा, मैं अपनी बेटी के हर फैसले के साथ खड़ा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी का ये फैसला ये खुद करे। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मेरे साथ जो धोखा हुआ है, मैं दोबारा। मैं जानता हूं आप जितना चाहे वक्त ले सकती हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। बस मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सारी बच्चों को खुश रखे। आमीन आमीन तुम आमीन। समंदर छोड़